देश भर में रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित किए जाने की बात लगातार कही जाती रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन के एमडी संजीव कुमार लोहिया जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, जब हम कहते हैं कि स्टेशन हवाई अड्डे की तरह हो जाएंगे, तो ऐसा स्टेशन कब देखने को मिलेगा? पहला स्टेशन आपको दिसंबर 2018 में हबीबगंज का मिलेगा, और हो सकता है शायद उससे पहले गांधीनगर भी कंप्लीट हो जाए, जो स्टेशन वाला कंपोनेंट है। तो इस स्टेशन के ऊपर हम एक फाइव स्टार होटल भी बना रहे हैं, इंडिया का पहला फाइव स्टार होटल जो ट्रैक के ऊपर होगा, 300 कमरे का, विच इज द लार्जेस्ट होटल ऑफ गांधीनगर इन अहमदाबाद। तो दिसंबर 2018 तक दो स्टेशन इस तरह के आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। सर, हबीबगंज में जो अभी अगर हम जो स्टेशन इस्तेमाल करते हैं जो लोग रेल यात्री, उनको जब स्टेशन डेवलप हो जाएगा तब क्या फर्क आएगा? दोनों चीजों में फर्क कितना होगा? दोनों चीजों में अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो धरती आसमान का फर्क होगा, क्योंकि जो आज की डेट में जो लोग आते हैं तो एक जैसे कंजेशन का है ना, एंटर करते ही आपको एक फीलिंग होती है, तो हम अराइवल डिपार्चर को सेग्रीगेट कर रहे हैं, हम पूरा स्टेशन एरिया वो दिव्यांग फ्रेंडली बना रहे हैं। तो सारे स्टेशंस जितने भी हैं वो एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स से जो है अप्रोचेबल होंगे, तो आप कहीं पे भी अगर व्हीलचेयर बाउंड भी हैं आप आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं। हम एक बहुत बड़ा कॉन्कोर्स एरिया क्रिएट कर रहे हैं ट्रैक के ऊपर, तो आपका वेटिंग जो है वो कॉन्कोर्स एरिया के अंदर होगा, तो आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना, और कॉन्कोर्स एरिया विल बी वो जो है प्लेटफॉर्म के मुकाबले में ज्यादा कंफर्टेबल होगा, तो वहां पे वेटिंग एरिया हम काफी सारा बढ़ा रहे हैं। पैसेंजर एमिनिटीज की जितने जो चीजें हैं उनको हम है ना मुहैया करा रहे हैं, तो रिटेल और उस तरह की जो चीजें हैं लोगों को जो चाहिए होती है, जैसे आप एक रीडेवलप्ड एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उस तरह की जितनी चीजें आप वहां पर एक्सपीरियंस करते हैं उस तरह की हम सब चीजें यहां पर आपको दे पाए। सर, हबीबगंज की जब हम बात करते हैं तो क्या ये इसमें कोई प्राइवेट पार्टी शामिल है, और साथ ही साथ इसमें खर्चा कितना आएगा और आप लोगों की कमाई कितनी होगी? हबीबगंज स्टेशन जो डेवलपर हैं जिनको हमने ये कंसेशन दिया है, बसल पाथवेज करके उनका नाम है, जो स्टेशन पूरा डेवलप कर रहे हैं 100 करोड़ का हमने कीमत आंकी थी, कितना उनको इन्वेस्टमेंट करना है, जो हमने अपने एम्प्लॉयज रिक्वायरमेंट दिया था उसके हिसाब से। जो कमर्शियल डेवलपमेंट का पोटेंशियल वो भी लगभग इतना ही था, तो जितना पैसा उसको कमर्शियल डेवलपमेंट से मिलना था तो वो उतना पैसा उसको स्टेशन पर लगाना है, बाकी उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसने नेचुरली अपना कैलकुलेट करके उसके हिसाब से कोट किया है। जो स्टेशन को ऑपरेट करने का जो खर्चा और जो उसकी कमाई है, अभी स्टेशन को ऑपरेट करने की जो खर्चा है वो लगभग 3.5 करोड़ होता था जब रेलवे मेंटेन करती थी, हमने उसको घटा के 2.26 करोड़ किया है, और जो अर्निंग है वो अभी 4 करोड़ के करीब हुई है। हम उम्मीद करते हैं उस अर्निंग को हम 10 करोड़ तक ले जाएंगे, 10 करोड़ से और ऊपर ही लेके जाएंगे, जबकि खर्चा भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा जब स्टेशन पूरा रीडेवलप हो जाएगा, बट नेट रेवेन्यू सरप्लस होगा ये स्टेशन। सर, गांधीनगर की जैसे आप बात कर रहे हैं कि वहां फाइव स्टार होटल भी होगा और भी एमिनिटीज होंगी, तो गांधीनगर में ऐसा क्या खास होगा? इसके अलावा अगर फाइव स्टार होटल की बात करते हैं तो जगह जगह फाइव स्टार होटल है, तो वो होटल क्यों खास है? वो होटल दो तीन तरीके से मैं आपको बोलूंगा कि खास है। सबसे पहला तो वो कंट्री का पहला होटल ट्रैक के ऊपर है, और उस होटल का जो ग्राउंड फ्लोर है वो ग्राउंड से 22 मीटर ऊपर है। वो होटल और कन्वेंशन सेंटर, जो महात्मा मंदिर एक कन्वेंशन सेंटर, वर्ल्ड क्लास इंडिया का बेस्ट कन्वेंशन सेंटर है, वो होटल और कन्वेंशन सेंटर वो दोनों एक ही हमने ऑपरेटर को दिए हैं, लीला को, उसको ऑपरेट करने के लिए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो दोनों बिल्कुल लिंक्ड होंगे एक गोल्फ कार्ट के पैसेज के द्वारा। तो ये एक इसकी यूनिक जो है कैरेक्टरिस्टिक है। ये पहला ऐसा होटल है जो पेटल शेप में 3 टावर्स हैं, इसमें 2 टावर्स 10 फ्लोर की और 1 टावर 7 फ्लोर की है। इस होटल के सामने एक डांडी कुटीर, वो डांडी कुटीर म्यूजियम है, और उस म्यूजियम पे अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वहां पे एक बहुत ही उम्दा लेजर शो का एक है ना वहां पर लगाने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का भी एक जो है अट्रैक्टिव जगह बनेगी। तो उस होटल का जो हम जो प्रेसिडेंशियल स्वीट बना रहे हैं बिल्कुल उसके सामने ये जो डेजर शो है वो देखने को मिलेगा, रूफटॉप हम रेस्टोरेंट बनाएंगे उसमें। तो ये एक
हम एक अलग ही जिसको कहते हैं ना टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनेगा कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन फैसिलिटी के अलावा। सर ये तो दो स्टेशन हो गए, तीसरा और कौन सा स्टेशन है जो जल्दी देखने को मिल जाए? जल्दी जो देखने को मिलेगा उसमें आनंद विहार, बिजवासन और जो चंडीगढ़ जिनका हमने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट अभी अवार्ड किया है, ये स्टेशन इस पे काम जून जुलाई में चालू हो जाएगा और ये स्टेशन 1.5-2 साल अंदर बनके कंप्लीट हो जाएंगे। जो सूरत का स्टेशन है उसका हमने पीपीपी पे आरएफपी कम आरएफक्यू भी इन्वाइट किया है और उस स्टेशन पे हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है काम चालू हो जाएगा। तो ये तो स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर काम हम इमीडिएटली, बाकी जो हम स्टेशन जो 50 का जो हम बता रहे हैं कि जो हम टारगेट कर रहे हैं उन स्टेशन पे भी हम उम्मीद करते हैं कि सब पे काम इस साल शुरू हो जाना चाहिए। सर अगर हम टोटल स्टेशनों की बात करें जो आप डेवलप करने जा रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी है, उससे रेवेन्यू कितना आने की उम्मीद है और कितने साल लग जाएंगे? जो अगर हम लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टेशंस की बात करें तो एक आंकड़ा जो हमने अभी एक मैसेज बीसीजी को लगाया था स्ट्रेटजिक एडवाइजर की तरह से स्टेशन डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने जो स्टडी किया तो एक वही आंकड़ा भी हमारे पास है तो उसका ही मैं आपको दिखा कर सकता हूं। उन्होंने 400 ए और A1 कैटेगरी के स्टेशंस का अध्ययन किया था और 112 करीब सबअर्बन स्टेशंस का अध्ययन किया था। तो वो 512 के करीब जो स्टेशन है उसमें उन्होंने आंका कि करीब 34,000 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए और 90 ईयर्स की लीज पे 69,000 करोड़ का नेट अर्निंग होगी रेलवे, नेट सरप्लस। बट रेलवे ने क्लासिफिकेशन फिर वापस से अभी चेंज कर दिया तो अब उन्होंने पैसेंजर फुटफॉल और जो पैसेंजर फेयर की टिकट है उन दोनों को मिला के उन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया है और उसके बेसिस पे हमने जो स्टेशन को शॉर्टलिस्ट किया है प्लस उसके अंदर रिलीजियस और टूरिस्ट इंपॉर्टेंस के स्टेशन को भी ऐड करके तो लगभग 790-800 के करीब स्टेशन की एक लिस्ट, ब्रॉड लिस्ट बनती है जिनको हमें डेवलप करना है अगले कुछ सालों के अंदर। उनका भी रेवेन्यू पोटेंशियल पूरा कितना होगा इसका एग्जैक्ट अनुमान अभी लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जो कुछ कॉन्सेप्ट प्लान लोगों ने कुछ बनाए हैं तो उससे मुंबई के अंदर टोटल अगर आप गिने कि कितना वहां पर रियल एस्टेट से लैंड मोनेटाइजेशन पोटेंशियल हो सकता है तो जितना बीसीजी ने पूरी इंडिया के लिए आंका है लगभग उतना तो सिर्फ मुंबई से है ना अर्निंग करने का पोटेंशियल है। आज तक से बातचीत करने में धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ संजीव कुमार लोहिया जी जो बताते किस तरीके से स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं और खास बात यह है कि दिसंबर में पहला स्टेशन हबीबगंज का देखने को मिलेगा जो पीपीपी मोड में डेवलप किया गया है और बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से हवाई अड्डे यहां पर देश के अंदर है। तो आने वाले दिनों में स्टेशन पर आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा, उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। सिद्धार्थ दिल्ली आज तक।